नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अकाउंटेक सॉल्यूशन में। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज अकाउंट ग्रुप एंड हाउ टू क्रिएट अकाउंट ग्रुप इन बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों बीजी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन है अकाउंट ग्रुप। अकाउंट ग्रुप होता क्या है और इसमें अकाउंट्स ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। दोस्तों अकाउंट ग्रुप्स होते हैं जिसके अंडर हम किसी भी अकाउंट को क्रिएट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक अकाउंट क्रिएट करते हैं किसी भी पार्टी का, जिसे आप माल बेचते हैं, तो वो जो पार्टी आप क्रिएट करते हैं तो वो एक ग्रुप के अंदर जाती है जिसको बोलते हैं हम सेंड्री डेटर। ऐसे ही जिससे हम माल परचेज करते हैं वो एक ग्रुप के अंदर बनाई जाती है सेंड्री क्रेडिटर। तो इसी तरीके से हर अकाउंट्स के लिए एक अलग ग्रुप होता है। जैसे आप कोई मान लीजिए गुड्स खरीदते हैं, कैपिटल गुड्स है, कोई ऐसी एसेट्स है, फिक्स एसेट्स जो है तो वो फिक्स एसेट्स के अंदर जाती है। जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर खरीदते हैं अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, जिसको हम सेल और परचेज नहीं करते, अपने बिजनेस को रन करने के लिए यूज कर रहे हैं, कोई प्रिंटर यूज कर रहे हैं, तो उसको किस ग्रुप के अंडर बनाया जाता है, वो फिक्स एसेट्स के अंदर बनाया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट के अंडर कैपिटल अकाउंट होता है, करंट एसेट्स होती हैं, लोन एंड लाइबिलिटीज होती हैं, लोन एंड एडवांस होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो बिजी के अंदर बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होते हैं, लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं जिसे हम अपनी मर्जी से बनाना चाहें। जैसे मान लीजिए हमें अपनी बुक्स के अंदर कोई ऐसा ग्रुप है जो हमें बिजी के अंदर नहीं मिलता है लेकिन हम उसे बनाना चाहते हैं, या सब ग्रुप हम बनाना चाहते हैं, कोई ग्रुप बना हुआ है और उसके अंदर हम उसकी सब ग्रुपिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अकाउंट ग्रुप ऑप्शन यूज करना पड़ता है। अकाउंट ग्रुप ऑप्शन के अंदर तीन ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ऐड, ऐड यानी कि नया कोई अकाउंट ग्रुप अगर आपको क्रिएट करना है तो वह ऐड के द्वारा होता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब है कि अगर आपका कोई अकाउंट ग्रुप पहले से बना हुआ है या कोई सब ग्रुप बना हुआ है, तो अगर उसको आपको मॉडिफाई करना है, उसका मान लीजिए नाम चेंज करना है या उसकी ग्रुपिंग चेंज करनी है, तो उसके लिए आपको मॉडिफाई ऑप्शन यूज करना पड़ता है। तीसरा ऑप्शन होता है लिस्ट। लिस्ट का मतलब ये है कि अगर आपके जो भी ग्रुप्स पहले से बने हुए हैं कि आपके बिजी के अंदर कौन कौन से ग्रुप, सारे चेक करने आपको कितने ग्रुप्स बने हुए हैं और कौन कौन से ग्रुप बने हुए हैं, उसकी लिस्ट आपको निकालनी है, तो वो आपको यहाँ से लिस्ट से निकालनी सकते हैं। अब बात करते हैं ऐड के लिए। ऐड पे हम जाते हैं यहाँ पर अपना अकाउंट ग्रुप क्रिएट करने के लिए। अब अकाउंट ग्रुप कहाँ यूज होता है और कब यूज होता है? अकाउंट ग्रुप जनरली कुछ केसेस में यूज होता है, बाय डिफॉल्ट तो ऑलमोस्ट सारे ग्रुप्स सॉफ्टवेयर के अंदर बने हुए होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, कुछ ग्रुप्स होते हैं जो आपको बनाने होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप किसी पार्टी से परचेज करते हैं और परचेज करने के लिए आपको पता होता है कि उस पार्टी का जो नाम होता है, उस पार्टी का जो अकाउंट होता है, वो सेंड्री क्रेडिटर के अंदर ग्रुप के अंडर बनाया जाता है। लेकिन कुछ परचेज ऐसी होती है जो हमारी परचेज तो होती है लेकिन वो गुड्स की नहीं होती है, कोई खर्चे की होती है, तो उसको हम सेंड्री क्रेडिटर में ना डाल के उसको हम सेंड्री पेबल में डालते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई टेलीफोन का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या फिर कोई ऐसा खर्चा है जिसका कंज्यूमेबल गुड्स का है, तो ऐसे कोई खर्चे हैं जो हमारे एक्सपेंसेस के हैं, तो वो सेंड्री क्रेडिटर में नहीं जाके सेंड्री पेबल में हम उनको अलग से शो करते हैं। तो उनके लिए हमें यहाँ पर एक ग्रुप बनाना होता है सेंड्री पेबल। तो सेंड्री पेबल बनाने के लिए यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा? सेंड्री पेबल। और यहाँ पर अलाइज नेम में फिर मैंने आपको बताता हूँ कि अलाइज नेम आप इसका शॉर्ट नेम रख सकते हैं या कोई मेमोराइजेबल नाम यूज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है प्राइम ग्रुप है या फिर नहीं। प्राइम ग्रुप का मतलब होता है कि सैलरी पेबल जो है आपको बैलेंस शीट के अंदर, अगर आप इसको प्राइम करते हैं तो ये आपको बाहर ही
ग्रुप में सैंडरी बेबल के नाम से शो करेगा। और अगर आप इसको किसी ग्रुप के अंडर रखते हैं, जैसे मान लीजिए सैंडरी क्रेडिटर, अगर आप बैलेंस शीट के अंदर आप जाएंगे और ग्रुपिंग चेक करते हैं, तो वहां पर ग्रुप्स के अंडर सब ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि करंट लाइबिलिटी होता है, करंट एसेट्स होता है, तो करंट लाइबिलिटी के अंदर सैंडरी क्रेडिटर आता है, सैंडरी क्रेडिटर के अंदर आपके सारे क्रेडिटर्स आते हैं, ऐसे ही करंट एसेट्स के अंडर सैंडरी डेटर आते हैं, और वहां पर आपके सारे डेटर्स के अकाउंट्स आते हैं। तो इसी तरीके से सैंडरी पेबल को अगर आप सीधा बाहर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी की तरह बाहर दिखाना चाहते हैं, तो आपको यस करना होगा, ये आपका प्राइम ग्रुप बन जाएगा, प्राइमरी ग्रुप। और अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि ये करंट लाइबिलिटी के अंदर सैंडरी क्रेडिटर के साथ सैंडरी पेबल दिखाया जाए, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अंडर ग्रुप में जाके करंट लाइबिलिटी सेव करेंगे। तो अब हम जाके मान लीजिए, अब यहाँ पर हम इसके अंदर मान लीजिए हम एक अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, मास्टर में जाएंगे अकाउंट में, और मान लीजिए हम यहाँ पर 100 अकाउंट डाल देते हैं, बीजी इन्फो टैक, भाई हमने इससे बीजी परचेज करी है, तो ये हमारा खर्चा है इन्फो टैक, और ग्रुप हम यहाँ पे क्या डाल देते हैं, सैलरी पेबल, ठीक है। और अब हम जाके ट्रांजेक्शन में जनरल में एक एंट्री मैं आपको करके दिखाता हूं, कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1/4 में इनपुट टैग 4 रुपये और कैश में पेमेंट मैंने यहाँ कर दी 100 रुपये। अब यहाँ पर डिस्प्ले में जाके हम फाइनल रिजल्ट में जाके बैलेंस शीट में जाके हॉरिजेंटल, यहाँ पर अगर आप बैलेंस शीट चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको करंट लाइबिलिटी के अंडर दिखा रहा है, या फिर आप इसको यहाँ पर ऐसे भी खोल सकते हैं, लेवल्स को बंद कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको बाहर सैलरी पेबल नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमने उसको क्या बनाया है, सब ग्रुप बनाया है, और सब ग्रुप क्या है, करंट लाइबिलिटी के अंदर डाला है। तो यहाँ पर आप जैसे ही करंट लाइबिलिटी में जाके देखते हैं, तो आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पर सैलरी क्रेडिटर और सैलरी पेबल। अब हमने यहाँ पर आप एंट्री गलत कर दी है, कोई नहीं, ये हमने एक डमी एंट्री डाली थी, ऑफिस एक्सपेंस मेंटेनेंस एक्सपेंस टू बिजी इनफो टैक हम ऐसे डाल देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि सैलरी पेबल में आपका 100 रुपये खड़ा हो गया है। अब ये सैलरी पेबल और सैलरी क्रेडिटर से इससे आपका अलग अलग पता चल जाता है कि सैलरी क्रेडिटर में तो आपके वो अकाउंट्स आएंगे जो आपके परचेज वाले हैं, जिनसे आप गुड्स खरीदते हैं, और सैलरी पेबल के अंदर आपके वो ग्रुप्स आएंगे, वो अकाउंट्स आएंगे जो आपके एक्सपेंसेस के हैं, या कोई ऐसे हैं जो परचेज से रिलेटेड अकाउंट्स नहीं है। तो इसी तरीके से आप अपने किसी भी तरीके के अकाउंट्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आप ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर, अगर मैं आपको बताऊं ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर अगर आपकी कंपनी के अंदर TDS भी होता है और GST भी होता है, इनकम टैक्स भी होता है, तो आप उसको अलग अलग ग्रुप करना चाहते हैं, तो आप अकाउंट ग्रुप्स के अंदर जाके यहाँ पर आप TDS का अलग ग्रुप बना सकते हैं, जिसको आप सब ग्रुप बना सकते हैं TDS डाल के ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर, तो आपकी TDS की जो सारी अकाउंट्स होंगे वो TDS के अंडर आ जाएंगे, और GST के अंडर आ जाएंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से आप सब ग्रुप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट ग्रुप्स बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। मॉडिफाई का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है, मॉडिफाई पे आप जाके जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर सैलरी पेबल पे क्लिक करूंगा, तो ये आपको यहाँ पर चेंज करने के लिए वो सारी डिटेल्स वापस ओपन कर देगा। अब मान लीजिए आपने गलती से यहाँ पर सब ग्रुप ना जाके प्राइमरी ग्रुप पर रखा होगा, तो अगर आपको चेंज करना होता तो आप एंटर करेंगे और यहाँ पर आप इसको नो करके दोबारा करंट लाइबिलिटी में जाके चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मॉडिफाई यूज कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, स्क्रीन और प्रिंटर। प्रिंटर पे आप क्लिक करके एंटर करते हैं, तो आपका सारी की सारी लिस्ट जो है वो प्रिंट आउट निकल जाती है, और स्क्रीन के अंदर आपको सारा का सारा लिस्ट के अंदर आप यहाँ से देख सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा ग्रुप जो है वो प्राइमरी ग्रुप है और कौन सा ग्रुप जो है सब ग्रुप है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नेम ऑफ ग्रुप, नेम ऑफ अकाउंट, ग्रुप
प्राइमरी है या सब ग्रुपिंग है। अगर नो है तो वो सब ग्रुप है, और यस है तो वो प्राइमरी है। अंडर अगर जो सब ग्रुपिंग है वो किस ग्रुप के अंडर आता है, यहाँ पर आपको अंडर ग्रुप दिखा देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बैंक अकाउंट है वो क्या है, करंट एसेट्स के अंदर आता है। बैंक को जो ओडी अकाउंट आता है वो लोन एंड लाइबिलिटी के अंदर आता है। तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट्स के ग्रुपिंग को भी चेक कर सकते हैं कि वो ग्रुप, वो सब ग्रुपिंग जो है वो किसके अंडर आ रही है, या फिर कोई ऐसा ग्रुप है जो आपको चेक करना है कि वो सब ग्रुपिंग है या नॉन सब ग्रुप है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अकाउंट ग्रुप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।